जीवन ज्योति सीजन 7 के अवसर पर एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करें सिर्फ 4,500 रुपए में। लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड केवल 100 एडमिशन तक ऑफर सीमित, जल्दी कीजिएगा। आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपके साथ महबूब शेख। देश में बढ़ते दामों के खिलाफ यूथ कांग्रेस की ओर से बीजापुर में विरोध प्रदर्शन। आज बीजापुर शहर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरुद्ध प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष नालपाड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। दिन ब दिन बढ़ते दामों को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में मौजूद रहे यूथ कांग्रेस नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार यादव, यूथ कांग्रेस स्टेट जनरल सेक्रेटरी समिता पाटिल, यूथ कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी विनय तिम्बापुर, यूथ कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी मोइन अहमद शेख, यूथ कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी महेश चालवादी, बीजापुर जिला अध्यक्ष सिद्दप्पा छायागोड़, अब्दुल कादर के अलावा कांग्रेस के लीडर राजू अलगूर, हमीद मुशरिफ और कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे तो आप सब सुने होंगे। ये नारे तो 2014 में बीजेपी सरकार आने के लिए मोदी जी ने बोला, मगर जब से ये नारा बोल के उन्होंने आया सत्ते पे, उसके बाद से आज तक कभी ये नारा हमने नहीं सुना, क्योंकि ये सरासर झूठ है। महंगाई को वो हटा नहीं सके, महंगाई बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। वो हम आज यूथ कांग्रेस इधर हम सब मिले हैं, हम दिखाने के लिए लोगों को कि अच्छे दिन किसके थे, अच्छे दिन किसके लिए बने, अच्छे दिन कौन कौन आज एंजॉय कर रहे हैं। आज तो जनता नहीं एंजॉय कर रहे हैं, कौन एंजॉय कर रही है आप देखना है। यूथ कांग्रेस का युवा आक्रोश आज इधर जिला में हुआ है, कल ब्लॉक लेवल पे होएगा। मोइन शेख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अल्लाह और तौफीक दे और ताकत दे और बहुत बड़ा पैमाने पर लीडर बने। थैंक यू। आज मोहम्मद नलपाड़ उन्होंने युद्ध अध्यक्ष स्टेट के उन्होंने आए थे। आज ये पेट्रोल डीजल गैस और सड़ई सीमेंट ये सब बीजेपी सरकार महंगा करी, महंगा करने का नहीं, सब अनाज महंगा करी, सब महंगा करी, पूरा देश बेच खा रही, क्या काम कर रहे ने। ऐसे अच्छे दिन लाएंगे क्या, अच्छे दिन ला को बुरे दिन भी पूरा खराब करे हो ना, अच्छे दिन तो क्या आए नहीं, सबके महंगाई 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 कर रही। मोदी सरकार पूरा भ्रष्ट सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरा महंगाई करे, क्या भी सस्ता करे नहीं, गरीब के वास्ते एक भी अच्छा योजना नहीं लाए, एक अच्छा काम नहीं करे, खाली अपना आप पेट भर ले रहे हैं उन्होंने, गरीबों का क्या पेट भर रहे नहीं, गरीबों को पूरा नुकसान कर रहे हैं। राजीनामा देना नहीं तो सस्ता करना उन्होंने पेट्रोल डीजल। नायक संयुक्त पटेल रोजा इटकोंडिदारे, इदु भारत, इदु नम्म ओक्कट्टु अंत हेळक्के इष्टपड्तीनि। ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಎಂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮ್ ಪರ ನಮ್ ಪರ ಹೋರಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.